हेलो दोस्तों, आप जब भी यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हो तब यूट्यूब पर आपको एक डिटेक्ट मोड का ऑप्शन आता है जिसको आप इनेबल और डिसेबल करने के लिए बोलता है। जब भी आप वीडियो वॉचिंग करते हो या लाइव कुछ चल रहा है उस समय के दौरान ये सब आता है। तो ये बेसिकली बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं पता होती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब को अपडेट करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन यूट्यूब है वो पहले से ही अपडेट होता है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है, क्यों आती है, तो पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं। कुछ इस टाइप का आता है आपके मोबाइल के अंदर जो आपको इनेबल और डिसेबल करने के लिए बोलता है डिटेक्ट मोड को। तो ये सब होता क्या है और हम लोग इसको कैसे ऑन करेंगे वो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट के हुए वीडियो शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि इसको आप कैसे अपने मोबाइल से वो इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। ये मोबाइल में, लैपटॉप में, पीसी में, किसी में भी आ सकता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑप्शन है वो किस तरीके से आता है और इसका हम लोग सॉल्यूशन है वो कैसे करने वाले हैं, एकदम फिक्स सॉल्यूशन। तो ये एक लाइव चल रहा है, मैं इसको यूट्यूब पे प्ले करूँगा तब आप देख रहे हो सेम टू सेम वही ऑप्शन आया है। अब मैं इसी वीडियो को वापस प्ले करूँगा आपको चेक करा के पूरा का पूरा। लेकिन अब करना क्या है, सिंपली मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपना यूट्यूब है वो ओपन करूँगा और अपनी आईडी, यहाँ पे आप मेरी आईडी देख रहे होंगे 3 डॉट वाली, उस आईडी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है एस वाली पे। सिंपली जैसे ही आपने आईडी ओपन कर ली उसके बाद में आपको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद में आपको जाना है जनरल सेटिंग के अंदर। वहाँ पे आपको नीचे नीचे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखिए रिस्ट्रिक्टेड मोड वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे ऑन हुआ है अभी, आपको यहाँ पे इसको ऑफ कर देना है। जैसे आप ऑफ कर दोगे अब उसके बाद आप जब भी कोई भी लाइव वीडियो या कुछ भी आप प्ले करोगे तब आपके चलने लगेगा। तो चलिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये लाइव है तो ये देखिए अब लाइव वो चल रहा है। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, थोड़ा ब्लर कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट है वो न आ जाए। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का है वो फिक्स सॉल्यूशन कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार बता दूं, सिंपली आपको यहाँ पे आईडी पे जाना है, उसके बाद में आपको सेटिंग के अंदर जाना है, जनरल सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जो डिटेक्ट मोड वाला ऑप्शन है उसको आपको सिंपली ऑफ कर देना है। उसके बाद आप कोई भी वीडियो चलाओ, लाइव वाला हो या कोई भी और वीडियो के अंदर आपका ये वाला ऑप्शन आ रहा है तो सिंपली आप वो इसको क्या कर सकते हो, सिंपली ऑफ कर सकते हो, उसके बाद में चलने लगेगा। यदि कोई एरर आ रहा है 404 या इस टाइप का कोई एरर आ रहा है तब आपको यूट्यूब है वो अपडेट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस डिटेक्ट मोड को इनेबल और डिसेबल करके आपकी जो ये प्रॉब्लम है इसको आप फिक्स सॉल्यूशन है वो कर सकते हो। उसके बाद में आपको कभी भी कोई भी लाइव वीडियो के अंदर या कोई भी वीडियो आप यूट्यूब के अंदर चलाते हो तो इस टाइप का आपको कोई भी वार्निंग या ऑप्शन नहीं आने वाला, यूट्यूब है वो बेसिकली चलेगा। तो इसका जो मेन सॉल्यूशन है वो यही होता है, न कि उसको आप अपडेट करते हो तब होता है। हाँ, अपडेट से भी होता है, अपडेट से होता है तब एरर आता है 404 एरर या इस टाइप का कुछ एरर आ जाता है। लेकिन ये डिटेक्ट मोड को इनेबल और डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग के अंदर जाके जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया वैसे आपको करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।